हे गाइस, जिली ऐप पे काफी सारे लोग एक गलती कर देते हैं। जब वो अपनी आईडी यहाँ पर बनाते हैं ना जिली ऐप की, तो वहाँ पर कभी कभार वो अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जिससे उनकी आईडी मोबाइल नंबर ही हो जाती है। ठीक है, तो उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? काफी सारे लोग यहाँ पर मेरे पास कॉमेंट कर रहे थे कि यार, मेरी आईडी जो मैंने मोबाइल नंबर उसमें डाल दिया, लेकिन मेरी आईडी चेंज नहीं हो रही, बदल नहीं रही, मुझे अपना मोबाइल नंबर हटाना है। ठीक है, तो काफी सारे लोग मेरे से बोल रहे थे। आज के मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपनी आईडी को कैसे चेंज कर सकते हैं। काफी सारे लोग को पता नहीं है कि आईडी को चेंज कैसे होती है, और काफी सारे लोग तो कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखते हैं, वीडियो पूरा ये पूरा लास्ट तक देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी जिली ऐप से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए यार शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जब अपनी आईडी को क्रिएट करते हैं जिली ऐप पर, जब अपनी आईडी बनाते हैं, जब आप उसमें आईडी बना लेते हैं, तो आपको यहाँ पर आईडी कुछ इस तरीके से मिल जाती है। आपको साइड में इसके थ्रो दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आईडी मिलती है। ठीक है, लेकिन आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें मोबाइल नंबर डाल देते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, उसमें मोबाइल नंबर डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा रहता है, वो यहाँ पर नीचे पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर लिखा, यू कैन चेंज योर आईडी ओनली वन एवरी 30 डे, मतलब 30 दिन बाद भी आपकी एक आईडी चेंज हो सकती है। मतलब 30 दिनों बाद आप अपनी आईडी को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। एक बार आईडी बनाने पर 30 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, 30 दिन के बाद आप दोबारा से आईडी को चेंज कर सकते हैं। आप जो आईडी अभी बना लोगे उसको 30 दिन बाद ही यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट और मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप आईडी बना लेते हो, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हो अपनी आईडी में, यहाँ पर दिख रहा है साइड में आपको, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आईडी चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लिखा रहा है, यू कैन चेंज योर आईडी ओनली वन एवरी 30 डे, 30 दिन से पहले आपकी आईडी चेंज नहीं हो सकती जिली ऐप पर। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आईडी चेंज नहीं हो रही मेरी, क्या करें, क्या प्रॉब्लम आई हुई है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपको जब आईडी आप क्रिएट करो तो आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है, ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बार आपको आईडी चेंज करनी है तो 30 दिन बाद ही आप अपनी आईडी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिली ऐप पर आप अपनी आईडी को 30 दिन बाद दोबारा से चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, यदि आपने गलती से अपना मोबाइल नंबर डाल दिया तो 30 दिन तक आप वेट कीजिए, उसके बाद में आपकी आईडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप उसके बाद में अपनी आईडी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर लिया। मिलते हैं अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक लिया जय हिंद, धन्यवाद।